हेलो दोस्तों, आज जो मैं अब आपके लिए जो वीडियो बना रहा हूँ, ये मुझे लगता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जो भी लोग ने अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अटेंड नहीं करे हैं, अगर उन लोगों के पास अभी भी कोई डाउट बच रहे हैं या किसी प्रकार का डर बच रहा है, तो इस वीडियो के बाद मुझे लगता है कि वो डर सारा खत्म हो जाएगा। कम से कम आपको लॉजिकली ये बात सारी समझ में आ जाएगी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरीके से होता है और क्यों होता है। इसके बाद आप ये तो श्योर है कि अगर आपके पास आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, देखो नहीं है तब तो कोई बात ही नहीं है, नहीं है तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अगर आपके पास आपका एप्लीकेशन फॉर्म है तो इस वीडियो के बाद आप खुद का एक मॉक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेंगे, उसके बाद आपको डर जो है वो हर तरीके से खत्म हो जाएगा। देखो, अगर कोई डॉक्यूमेंट की कमी है या कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो मैं जब आपको ये सारी चीज़ें बताते रहूंगा, अभी आगे मैं आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म, मेरा खुद का जो एप्लीकेशन फॉर्म मैंने 2019 में अप्लाई किया था, वो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको मैं पूरी चीज़ें समझाता चलूंगा। और अभी तक के जितने भी डीवी वालों से मेरी बात हुई है, मैं खुद भी एनटीपीसी का डीवी करवा के आया, तो जितने मेरे अनुभव है उसके आधार पर जो बीच बीच में आपके डाउट्स जो मैंने आज तक देखे हैं, वो सारे का जवाब भी मैं देते रहूंगा कि कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या उसका डॉक्यूमेंट की जो डेट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सील साइन किसके होने चाहिए, फॉर्मेट क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ों की बात मैं करता चलूंगा। तो अगर ये वीडियो थोड़ा सा लंबा भी होता है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इसको बिना स्पीड बढ़ाए एक बार डिटेल से देख लें और पूरी बातों को अच्छे से सुन लें। अगर ये सुनने के बाद आपके कोई जेन्युइन डाउट बचते हैं तो आप मुझे कमेंट पे बेशक पूछिएगा, मैं सारे कमेंट्स के रिप्लाई आप लोगों के करता हूँ। तो मैं आपको अब इसके बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करूंगा और आपको बस स्क्रीन पे वो दिखता रहेगा और मैं साथ में आपको बताता रहूंगा कि किस तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। मैं कोशिश तो ये कर रहा हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको सारी ही चीज़ें दिखा दूँ, लेकिन अगर मैं आपको मार्कशीट किस प्रकार से होती है, क्या होती है, वो सब दिखाने लगा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा वीडियो को बनाने में, और फिर वीडियो काफ़ी लंबा भी होता है तो देखने में भी आप लोगों को थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन एक वीडियो में रहती है तो कई सारी चीज़ें मिस भी होती है। तो आप बस थोड़ा धैर्य से इस वीडियो को देखना और चीज़ों को समझने की कोशिश करना, लॉजिकली अपना भी दिमाग लगाना आप, और आप सोचना कि अगर कुछ जेन्युइन ऐसी टाइप की प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। फाइनल एक पॉइंट जो मैं हमेशा से बोलता हूँ, आपको आज भी बोलना चाहता हूँ कि आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। कम से कम आपको एक मौका तो दिया ही जाएगा कि आप अपनी चीज को प्रूव कर सकें, और अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो उसका भी सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा अभी आपको पेंडिंग में रखा जा सकता है, लेकिन रिजेक्ट अभी किसी को नहीं करेंगे, कब करा भी नहीं जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें आप। अगर आप अभी डीवी में जाते हो और आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट लिए बिना भी अगर आप चले जाते हो, मेरी बात सुनिए ध्यान से, आप एक भी डॉक्यूमेंट लिए बिना भी चले जाते हो तो आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, पेंडिंग में रखा जाएगा, और आपको बोला जाएगा ये भी सर्टिफिकेट नहीं है, ये भी सर्टिफिकेट नहीं है, ये भी सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप पेंडिंग में जाओगे और इस डेट में आप आना, लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि ये सर्टिफिकेट नहीं है, ये सर्टिफिकेट नहीं है, आप रिजेक्ट हो गए, अब इसके बाद आप कभी नहीं आना, ऐसा नहीं बोला जाएगा। तो पूरे पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितने भी नॉलेज मेरे को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में अभी तक की है वो सारी मैं आप लोगों को दे सकूँ। तो चलिए आप स्क्रीन पर चलते हो, मेरा एप्लीकेशन फॉर्म खोल करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, मॉक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू करने के पहले एक बार आपका सीबीटी और मतलब एक जो एडमिट कार्ड आपको मिला है डीवी में जाने के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम में जाने के लिए जो आपको एडमिट कार्ड मिला हुआ है यानी आपने डाउनलोड किया है, उसमें दो पेजेस हैं। पहला पेज जिसमें कि दो पार्ट है, एक नीचे वाला पार्ट है, एक ऊपर वाला पार्ट। ऊपर वाले पार्ट में आपको फोटो लगाना है और वहाँ पर नीचे सिग्नेचर भी आपकी दी हुई है, लेकिन जो नीचे वाला पार्ट है फर्स्ट पेज में, जहाँ आपकी फ़ोटो भी दी है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया था और नीचे सिग्नेचर भी दिया है, तो अपना सिग्नेचर भी देख लो, अपनी फ़ोटो भी देख लो। अब वो जो पार्ट है ना, वैसे ही पार्ट सीबीटी में भी थे और पीईटी में भी थे, तो अब वहाँ से शुरू करते हैं हम कि आपको साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने के लिए बोला गया है। तो देखो, पहली चीज़ तो नो प्रेजेंटेटिव यानी कि किसी और को आप अपने डीवी के जगह पर नहीं भेज सकते, ये पॉइंट एक क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट कि ये जितने डॉक्यूमेंट नीचे लिखे हैं इनके साथ आपको इनकी दो फोटोकॉपीज भी आपको चाहिए रहेगी। तो पहला क्या है, लोअर पोर्शन ऑफ कॉल लेटर सीबीटी और पीईटी का। अब देखो, यहाँ साथ में एक अलग से लाइन लिखी कि ये दो कैंडिडेट जो दिए हैं पीडब्ल्यूबीडी और CCAA वाले कैंडिडेट जो है, इनको मस्ट ब्रिंग लोअर पोर्शन कॉल लेटर ऑफ सीबीटी लिखा है। यानी क्यों लिखा है अलग से, क्योंकि ये लोग ने पीईटी नहीं दिया होगा इसीलिए अलग से इंडिकेट करके लिखा हुआ है। तो इस केस में क्या हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ, जिनके पास कॉल लेटर सीबीटी और पीईटी का नहीं है तो कई जगह पर या तो मांगा ही नहीं जा रहा है, या कई जगह पर जहाँ पर मांगा जा रहा है वहाँ पर एफिडेविट से काम चल जा रहा है। अगर जिनके पास सीबीटी और पीईटी का नहीं है तो वहाँ पर उससे काम चल जा रहा है, किससे,
एफिडेविट से काम चल जा रहा है। फिर भी मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर फ़ोन में आपके इसकी पीडीएफ भी हो, देखो ओरिजिनल वाला रखा है तब तो कोई बात ही नहीं है, फोटोकॉपी लगने वाली है दो दो तो करवा लेना, अगर आपके पास फ़ोन में भी पीडीएफ है तो एक बार के लिए प्रिंट करवा ही लेना, 10 रुपये में प्रिंट होता है तो करवा के लेके जाना, पता चले काम आ जाए कहीं पर, लेकिन नहीं है तो एफिडेविट भी बना के लेके जाना, एफिडेविट भी बना लेना और लोअर पोर्शन वो जो फोटो निकलती है प्रिंट आउट निकलता है वो भी लेके चले जाना, जितने डॉक्यूमेंट पॉसिबली प्रोड्यूस कर सकते हो वो सारे तो लेके ही जाओ ताकि वहाँ पर कम से कम तकलीफ हो। तो अगर नहीं है CBT और PET का एडमिट कार्ड का लोअर पोर्शन तो उसके लिए आप बनवा लेना एफिडेविट, एज प्रूफ सर्टिफिकेट सच एफ 10th मैट्रिक बर्थ सर्टिफिकेट स्कूल सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग डेट ऑफ बर्थ, तो ये आपको 10th की मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, ये है ना, यहाँ फ्लैश करके लिखा हुआ है, यानी कि ये सारे डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, कोई एक इनमें से चाहिए। वैलिड फोटो आइडेंटिटी कार्ड लाइक आधार कार्ड, तो दो आइडेंटिटी कार्ड आप अपने साथ ले जा लेना, और 10वीं की मार्कशीट प्रूफ ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए, ये अलग से मेंशन क्यों किया है, क्योंकि 10th लेवल का एग्जाम है तो कम से कम मिनिमम ये तो आपके पास होना ही चाहिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए। अगर आप 10th की मार्कशीट देते हैं मतलब आप एजुकेशनल रूप से तो क्वालिफाई करते हैं एग्जाम के लिए, इसके आगे आपको कोई जवाबदेही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए आपकी नहीं बन रही है, ये बात यहाँ पर क्लियर होती है। अब देखो इसके बाद इसको ध्यान से देखो, जो ई नंबर का ऑप्शन है कि SC ST OBC कैंडिडेट शुड प्रोड्यूस वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या है, कई जगह पर FDO लेवल का हर जगह पर चल रहा है, और मुझे लगता है कि अगर जो अथॉरिटी कॉम्पिटेंट नहीं होगी तो वो आपको SC ST या OBC का सर्टिफिकेट बना कर ही क्यों देगी, तो यानी आपको डरने की जरूरत नहीं, अगर आपके इसमें किसी आपको ऐसा लग रहा है कि इस अधिकारी के साइन से काम होगा कि नहीं, तो वो ऑथोराइज्ड अथॉरिटी होगी, किसके द्वारा, जो अधिकारी होंगे ऊपर वाले उनके द्वारा, यानी आपको फील साइन वो ही मिलेगी जो कि वहाँ पर वैलिड होने वाली है। तो आप प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए कि आपके पास अगर वैलिड OBC सर्टिफिकेट SC ST सर्टिफिकेट EWA सर्टिफिकेट है तो आप इस डाउट में मत जाएं कि इस अधिकारी का चलेगा क्या उस अधिकारी का चलेगा क्या, भाई वो बना करके दे रहे हैं मतलब चलने वाली चीज़ होगी तभी दे रहे हैं, अगर ऐसी होती जो नहीं चलने वाली है तो कोई सरकारी अधिकारी आपको बना के ऐसे डॉक्यूमेंट क्यों देने वाला है। OBC सर्टिफिकेट फ्रॉम OBC कैंडिडेट शुड नॉट बी ओल्डर देन 1 ईयर फ्रॉम द क्लोजिंग डेट ऑफ नोटिफिकेशन एंड इन प्रॉपर फॉर्मेट मेंशनिंग दैट द कैंडिडेट डज नॉट बिलोंग टू क्रीमी लेयर। इसको मैं आपको थोड़ा अच्छे से बता देता हूँ, यहाँ पर किसी और सर्टिफिकेट के लिए ये डेट नहीं लिखी है कि इस डेट से पहले का होना इस डेट से बाद होना, सिर्फ और सिर्फ OBC सर्टिफिकेट को लेकर लिखी है, तो इस बात को ध्यान से दे, मेरी बात पर ध्यान दे पूरा आप, OBC सर्टिफिकेट के बारे में ही बस यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म की क्लोजिंग डेट थी उससे 1 साल पहले तक का है तो आपके लिए वैलिड रहेगा। अब देखो फॉर्म भरते समय ये सर्टिफिकेट का नंबर मैंने तो नहीं डाला था, अभी जैसे आगे आपको दिखाऊंगा तो किस लोगों ने डाला है मुझे उसके बारे में नहीं पता, लेकिन सुने मेरी बात, अब अगर किसी के पास 2019 का OBC सर्टिफिकेट नहीं है तो वो क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता, तो नया बनवाओ नया लेके जाओ। जो आपका नोटिस आया था 2019 में उस नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ था कि DV डेट से पिछले 1 साल का कास्ट सर्टिफिकेट आपके लिए वैलिड रहेगा, तो इससे डरे नहीं बिल्कुल रहे। और एक बात बता रहा हूँ, जो एनेक्स पेपर 2 में आपको जो दिया है OBC सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, मेरे भाई वो फॉर्मेट और सेंट्रल फॉर्मेट में कोई अंतर नहीं है, सेम ही फॉर्मेट है, इसीलिए सेंट्रल फॉर्मेट में लेके जाओगे तो कोई आपको मना नहीं कर सकता, तो सेंट्रल फॉर्मेट में है तो वो इक्वली वैलिड है रेलवे फॉर्मेट के बराबर, क्योंकि रेलवे फॉर्मेट में आप अगर NXPaper 2 को ओपन करके देखोगे तो नीचे एक लाइन लिखी है कि द अथॉरिटी कैन मेंशन द अमेंडमेंट्स टाइम टू टाइम, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, उस सेंटेंस का मतलब ये है कि अगर जो भी OBC क्रीमी लेयर को लेकर के जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं उनको मेंशन किया जा सकता है, तो जो सेंट्रल फॉर्मेट है उसमें वो सब मेंशन किए हुए हैं, बस इतना ही अंतर है दोनों में, तो इस बात को लेकर निश्चिंत रहो, सेंट्रल फॉर्मेट में सर्टिफिकेट है तो कोई दिक्कत नहीं है। SC ST सर्टिफिकेट को लेकर के कोई डेट नहीं दी है पिछली वाली, तो आपको डेट को लेकर नहीं डरना है, कोई भी डेट का चलेगा, कहीं अगर ऐसा हो रहा है कि स्पेसिफिक डेट का मांगा जा रहा है तो अभी उनसे गलती हो रही है, वो बाद में अपनी गलती सुधार लेंगे, अगर पेंडिंग में कोई को रख रहे होंगे तो बाद में सुधार लेंगे, क्योंकि कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि किसको किस डेट का लेके आना चाहिए, ना एप्लीकेशन फॉर्म में ना यहाँ पर, OBC के बारे में लिखा है वो मैं आपको बता दिया, पुराना नहीं है तो नया लेके जाओ, बिल्कुल आसानी से काम हो जाएगा, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, मांगा जा रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं भी है तो कहाँ से लाओगे, मांगा जा रहा है तो रिजेक्ट नहीं करेंगे, अगर उनको क्लैरिटी नहीं होगी तो पेंडिंग में डालेंगे, जिस दिन पेंडिंग में जाओगे उस दिन सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि तब हायर अथॉरिटीज़ भी आपकी प्रेजेंट रहेगी, वो डिसाइड कर लेंगे कि क्या करना है।
EWF कैंडिडेट, ये छठवें नंबर का पढ़ रहा हूँ मैं, एफ पॉइंट, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट, अगर उनने एप्लीकेशन में अप्लाई किया है इस EWF के अंतर्गत, तो उनको इनकम सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा इस फॉर्मेट के रूप में, एनेक्स पेपर 3 में जो दिया, मतलब ये EWF का इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, EWF सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये आप सेंट्रल फॉर्मेट में भी बनवा सकते हो और जो एनेक्स पेपर दिया है इसमें भी बना सकते हो। इसकी जो डेट है, ये डेट के बारे में मैं आपको बता दूं, तो आपके पास देखो फिर से वही बोलूंगा, अगर पुराने डेट का है तो लेके जाने में कोई दिक्कत नहीं है, नया भी बनवा सकते हो आप, पुराना है तो नया भी बन जाएगा, तो पुराना है तो भी लेके जाना, लेकिन पुराना नहीं है तो आज की तारीख में पुराना नहीं बना सकते, तो आप नया बना करके लेके जाइए, रिजेक्ट नहीं होंगे, कोई दिक्कत होगी भी तो आपको पेंडिंग में रख के बुलाया जाएगा और पेंडिंग में सब क्लियर किया जाएगा, इसमें चिंता की बात नहीं है। जैसे NTPC में क्या हुआ था, EWF के लिए पहले प्रावधान क्या था कि जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तब का EWF चाहिए, लेकिन तब कई लोगों के EWF बन नहीं पाए थे, किसी भी वजह से नहीं बन पाए थे, तो बाद में एक स्पेशल डेट नोटिस हो गई थी कि किसी भी डेट का आप लेकर के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास EWF सर्टिफिकेट होना चाहिए। जब हम DV में गए थे तो वहाँ बोर्ड पर जो लिखे हुए थे डॉक्यूमेंट की डेट वगैरह, उसमें SC ST भी एनी ईयर का चल रहा था, EWF भी एनी ईयर का चल रहा था, और OBC सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट से पिछले एक साल का चल रहा था। तो डेट को लेके बहुत इशू मत बनाओ, सेंट्रल फॉर्मेट का EWF है तो बिल्कुल लेके जाओ। और एक बात इसी मैं नीचे पढ़ के बताऊंगा, अगर कोई EWF प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, OBC प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, FT प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, तो उसको जनरल से कंसिडर किया जाएगा। ये भी अगर इस एडमिट कार्ड में नहीं लिखा होगा तो आपके एग्जाम के नोटिस में लिखा हुआ था वैकेंसी वाले, तो इस बात को लेकर के भी निश्चिंत रहो, चिंता वाली कोई बात नहीं आ रही है। अब इसके बाद इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास EBC सर्टिफिकेट इन प्रोफार्मा इशूड बाई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एनेक्स पेपर 3A में जो दिया हुआ है वेवर ऑफ एग्जामिनेशन, अगर ये आपने लिया है, यहाँ एक लाइन स्पष्ट लिखी हुई है, इफ क्लेम्ड वाइल अप्लाइंग अगेंस्ट CEN, तो ये EBC की बात हो रही है। देखो जब अप्लाई करते समय EBC सर्टिफिकेट का नंबर भी डालने की जरूरत थी, तो आपके पास ये सर्टिफिकेट आज क्यों नहीं है, ये होना चाहिए। नहीं है तो आप एफिडेविट बनाने के बारे में बहुत जगह से ऐसी खबर नहीं मिली है, सिर्फ एक दो जगह मैंने सुना था कि इसका भी एफिडेविट बन जा रहा है, तो वो एफिडेविट किसका बन रहा है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ क्या लिखा है, इफ क्लेम्ड वाइल अप्लाइंग अगेंस्ट द CEN, तो मैं आपको जब ये वीडियो एडिट करूंगा तो यहाँ स्क्रीन पे एक कटआउट लगाऊंगा मैं प्रिंट आउट, वो देखना आप। एक OBC कैंडिडेट था, उसने डू यू बिलोंग टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, उसको यस किया था, लेकिन डू यू वॉन्ट टू गेट फी कंसेशन, उसमें नो किया था। तो देखो इस बंदे ने क्या किया, EBC हूँ ये तो बोला, लेकिन फी में कंसेशन नहीं लिया, ध्यान से सुन रहे हैं आप। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, सर्टिफिकेट इन प्रोफार्मा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वेवर ऑफ और एग्जामिनेशन, ये देखो ये जो जी है इसका मतलब है कि अगर आपने EBC सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा अगर आपने क्लेम किया है फी कंसेशन, तो जिसने 500 रुपये पे किया है उसने तो फी कंसेशन लिया नहीं, तो उसको ये सर्टिफिकेट क्यों प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, नहीं है ना। अब ये कई बार क्या हुआ, OBC EWF वालों ने खुद को EBC समझ लिया, OBC वालों ने, इसीलिए उसको यस किया। तो आप उसकी चिंता ना करें, आप बिल्कुल एक एफिडेविट बना के लेके जाए कि गलती से EBC क्लिक हुआ था, लेकिन मैंने फॉर्म जो है ये फी मैंने 500 ही पे करी है, मैंने कोई भी फी वेवर नहीं लिया है। इसमें आपको एफिडेविट सिलेक्ट, आपका एफिडेविट एक्सेप्ट होएगा ही होएगा। और ध्यान से सुने मेरी बात, कई जगह ऐसा भी हुआ कि एफिडेविट बना के ले गए फिर भी एक्सेप्ट नहीं किया और पेंडिंग में डाल दिया। मैं आपको बता रहा हूँ पेंडिंग के दिन आपका वही एफिडेविट लिया जाएगा, ध्यान से सुने मेरी बात, वही एफिडेविट लिया जाएगा, आप निश्चिंत रहें। एफिडेविट यह है कि हम अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमने गलती से EBC टिक कर दिया था, तो ये कोई क्राइम नहीं हो गया है ना, तो इसको लेकर निश्चिंत रहें आप। अगर आज भी आपका एफिडेविट एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, 6 महीने बाद ब्लॉक डेट आएगी, 6 महीने बाद आपको बुलाया जा रहा है, 6 महीने बाद एक्सेप्ट होगी, विश्वास करें, तो इसको लेकर निश्चिंत रहो। दूसरा, जो OBC कैंडिडेट है उनको एक सेल्फ डिक्लेरेशन भी देना है, तो वो साथ में आपको यहीं से प्रिंट कर लेना है, और प्रिंट करने के बाद आपको वो मिल जाएगा, यानी प्रिंट करोगे ये वाला जो क्या है, एक मिनट रुको, इकोनॉमिकली बैकवर्ड का सेल्फ डिक्लेरेशन वेवर ऑफ एग्जामिनेशन फॉर कैटेगरी माइनॉरिटी, हाँ ये वाला भी बता देता हूँ आपको मैं। देखो जो OBC सर्टिफिकेट था उसके साथ एक आपको प्रोफार्म डिक्लेरेशन है वो भी देना है वहाँ पर, है ना। तो ये जो एप्लीकेशन 2019 का नोटिस था उसमें वो आपको मिल जाएगा, वो लेके चले जाना, और वहाँ पे बस अपने को फिल करना रहता है, डिक्लेरेशन रहता है वो। HO नंबर का जो है ये देख लो एडमिट कार्ड में, कि देखो 250 ऑफ लेने के लिए एक दूसरा तरीका भी था, माइनॉरिटी कम्युनिटी से अगर आप बिलोंग करते हो
तो माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले को क्या करने की जरूरत है? 250 रुपये ऑफ लिया है तो सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ वेवर ऑफ एग्जामिनेशन फी ऑन नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर, यानी जहां एफिडेविट बनता है ना नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर, वहीं पर जाकर के आपको बस ये लिखना है कि मैं अपना नाम, अपनी कास्ट या जो भी आपका रिलीजन है वो लिखना है, और आपको ये बोलना है कि मैं माइनॉरिटी कम्युनिटी से आता हूँ। तो ये डिक्लेरेशन जिसके बाद बनवाने जाओगे उनको भी आइडिया रहता है। तो ये इसमें देखो, इसमें एनएक्सेसर आई वी दिया हुआ है, तो उसी के ऊपर बस आप उसको टाइप करवा लेना स्टाम्प पेपर पर, जो एनएक्सेसर आई वी में दिया हुआ है RRC 19 वाले में। क्लियर है? चलो इसको आप थोड़ा सा नीचे लेके चलते हैं और भी क्या क्या लग रहा है उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, इसके बाद अगर इम्पोर्टेंट देखा जाए तो यहाँ पर ये वाला देख लो, एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एज पर इंस्ट्रक्शंस, यानी कि और कोई डॉक्यूमेंट आपको लग रहा है तो वो ले जा सकते हो, यानी कि इंस्ट्रक्शन अगर बाद में कुछ मिले हो तो, वो तो अभी कोई मिले नहीं है। अब देखो ये है सर्विंग गवर्नमेंट PFU एम्प्लॉय सबमिटेड NOC एज पर पैरा ऑफ ये। अब देखो अगर आपने फॉर्म अप्लाई करते समय वहाँ पर नो किया था, यानी तब आप जॉब में नहीं थे, बाद में अगर जॉब में आए हैं, ये प्रॉब्लम हुई थी NTPC में कई सारे लोग को, जो कि पहले जॉब में नहीं थे जब NTPC का फॉर्म भरे और बाद में वो ग्रुप डी लग गए थे 18 वाली वैकेंसी से, तो उनको क्या था NOC बना करके भी ले गए थे तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, यहाँ नो किया है तो आपकी NOC नहीं लेंगे ऐसा बोला गया था। बना के ले जा सकते हो तो ले जा लो, वहाँ पर नो किया है फिर भी बन रही है तो बना के ले जाओ NOC, अगर नहीं बन रही है तो अभी परेशान मत हो आप, अभी बढ़िया DV के लिए जाओ, आपका DV हो जाएगा। और वहाँ पर अगर वो बोलेंगे कि, अब देखो अगर आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म में नो किया था तो वो कैसे आपको NOC मांगने वाले हैं, नहीं मांगेंगे तो उसको लेकर निश्चिंत रहो आप, ठीक है, बाकी और पता करते रहना। अब यहाँ पर एक बात है, ये जो N नंबर का है इसको ध्यान से देखो, एनी अदर डॉक्यूमेंट मेंशन बाय द कैंडिडेट इन द CBT एप्लीकेशन फॉर्म, इसका मतलब क्या है बता दे रहा हूँ आपको। इसका मतलब अगर आपने 12th की भरी थी जानकारी, ग्रेजुएशन की भरी थी, कोई कंप्यूटर डिप्लोमा भरा था, कोई ITI भरा था, या और भी कोई कोई तरह तरह की चीज़ें अगर भरा था आपने, तो ये उनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं। लेकिन ये डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं भी है तो आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे, आपको पेंडिंग में नहीं डालेंगे, आपको कोई इशू नहीं होने वाला है। कुल मिला के वेरिफिकेशन इसी बात का तो है ना कि आपने जो बोला है वो वास्तव में है या नहीं है। तो आपने ये बोला था, अगर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर दोगे तो उसको माना जाएगा, नहीं करोगे प्रोड्यूस तो नहीं माना जाएगा। तो बिल्कुल ये वैसे ही है, अगर ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये अदर डॉक्यूमेंट में आता है तो कोई चिंता की बात नहीं। साथ में देखो 3 passport size photo जो कि CBT एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट की गई थी। फिर से एक बात बोलूंगा, अगर इसकी एक भी फोटो आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म में एडमिट कार्ड में आपको दिख जाएगी कि कौन सी फोटो आपने अपलोड करी थी, अगर आपको याद है कि किस फोटो वाले से आपने खिंचवाई थी, तो आप बिल्कुल वो फोटो वाले के यहाँ जाए, वो उनके पास पूरा रिकॉर्ड रहता है, पूछला कितना ही रहता है सेम फोटो वो निकाल के दे देगा। दूसरी बात, अगर आपको याद नहीं कि वो फोटो आपने कहाँ ली थी, तो भी अगर एक भी कॉपी आपके पास है तो उसकी बना लो। ये सबसे हट के अगर कुछ भी नहीं हो पा रहा है तो भाई चिंता की कोई बात नहीं, नई फोटो खिंचवाओ जिसमें चश्मा नहीं होना, कैप नहीं होना, बढ़िया नई फोटो खिंचाओ और धूमधाम से DV में जाओ। आपको फोटो के लिए इतना इशू नहीं बनने वाला है, जो फोटो दोगे वो फोटो एक्सेप्ट होगी। NTPC में तो हमको बोला गया था कि स्ट्रिक्टली DV डेट से पिछले एक महीने के अंदर की फोटो होना चाहिए, तो दुनिया जहान की पासपोर्ट साइज होने के बावजूद भी, पासपोर्ट साइज फोटो होने के बावजूद भी नई फोटो खिंचवाना पड़ा था। तो ये सब ठीक है। इसके बाद ये एक चीज़ और ध्यान से समझे, ये लिखा हुआ है ये वाला, कि अगर कोई सर्टिफिकेट आपके पास ऐसा है जो ना हिंदी में है ना इंग्लिश में, ये दोनों के अलावा कोई रीजनल लैंग्वेज में है, तो उसको आप ट्रांसलेट करवाएं इंग्लिश में और उसको अटेस्टेड करवाएं किसी गैजेटेड ऑफिसर से, और उसको लेकर के आप DV में जा सकते हैं। इसके बाद जो सारे नीचे डिटेल्स लिखी हुई है उसमें एक लाइन ये भी लिखी कि आपको कोई और मौका नहीं दिया जाएगा ये वो, लेकिन ऐसा नहीं होता, मौका तो देते ही है, रेलवे बहुत दिलदार है, तो उसको लेकर के आप निश्चिंत रहें। अब मैं आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म दिखाता हूँ और एक बार बता देता हूँ कि कैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। वीडियो लंबी हो रही है लेकिन अगर आप देख पा रहे हो, मतलब आपको इंटरेस्ट आ रहा है, आपको ज़रूरत है, तो प्लीज़ कंटिन्यू करो। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको लॉजिकली सोचने में कोई दिक्कत आने वाली है। तो चलो मैं एप्लीकेशन फॉर्म दिखा देता हूँ। तो भाइयों बहुत ज़्यादा मेहनत करके मैंने ये वाली फ़ोटो को एडिट करके बनाया है कि आपको दोनों चीज़ एक साथ दिखा सकूँ। तो देखो ये था हमारा एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें ये थी फ़ोटो। तो जिसके पास है एप्लीकेशन फॉर्म उसको ये एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, नहीं है तो मत करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो, जो नाम यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म में आपने लिखा था
वो आपकी मार्कशीट में यहाँ पर होना चाहिए। आदर्श चौधरी दोनों जगह सेम है। उसके बाद फादर का नेम जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा था वो आपकी टेंथ की मार्कशीट में यहाँ पर फादर्स नेम में होना चाहिए। जो आपने डेट ऑफ जो मदर्स नेम आपने यहाँ पर लिखा है वो मदर्स नेम आपकी मार्कशीट में होना चाहिए। बात समझ में आई? वो नाम होना चाहिए क्या मतलब, एग्जैक्टली वही स्पेलिंग होनी चाहिए, वही स्पेलिंग होनी चाहिए। बार बार बोल रहा हूँ। तो हिंदी वाले नाम का यहाँ पर कोई रोल नहीं आ रहा है, क्योंकि देखो भले यहाँ पर छात्र का नाम हिंदी में लिखा है, लेकिन मार्कशीट में देखो सिर्फ इंग्लिश में है, एप्लीकेशन फॉर्म में देखो सिर्फ इंग्लिश में है। तो इंग्लिश वाली स्पेलिंग सही है तो चिंता करने की जरूरत नहीं, हिंदी वाले नाम का उतना फ़र्क नहीं है। इंग्लिश में सेम टू सेम स्पेलिंग होनी चाहिए। कैसी सेम है फिर से बता दे रहा हूँ। यहाँ पर अगर ए डी ए आर एस एच ए है तो आप यहाँ पर देखो एक बार, ये यहाँ पर मेरा भी स्पेलिंग बिल्कुल वही है। तो ये आपके नाम की, पिताजी के नाम की, माताजी के नाम की बिल्कुल सेम होनी चाहिए। यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, एकदम सेम मतलब एकदम सेम स्पेलिंग होनी चाहिए। उसके बाद जन्मतिथि का बताता हूँ। जन्मतिथि वो सच नहीं मानी जाएगी जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में डाली है, जन्मतिथि वो सच मानी जाएगी जो आपकी टेंथ की मार्कशीट पर लिखी है। यानी कि अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ अनडिफाइंड जन्मतिथि लिख दी है तो उसका एफिडेविट बनवाओ और लेकर के जाओ और बताओ कि मार्कशीट में मेरी ये जन्मतिथि थी, लेकिन फॉर्म भरते समय मैंने गलती करके गलत भर दी है, तो जन्मतिथि आपकी यहाँ से हो जाएगी। सारा का सारा वेरिफिकेशन आपका डॉक्यूमेंट से होने वाला है। डॉक्यूमेंट में जो डिटेल है वही डिटेल मानी जाएगी, जो नहीं है वो नहीं मानी जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है? अब ये मार्कशीट में आपको फिर से नहीं दिखा पाऊँगा, मैंने बहुत सारी फ़ोटो एडिट नहीं करी है, एक ही फ़ोटो को करा था, तो ये आपको मैंने दिखाने के लिए बता दिया। लेकिन देखो रोल नंबर एप्लीकेशन फॉर्म में जो डाला था वो रोल नंबर यहाँ पे होना चाहिए। अगर एप्लीकेशन फॉर्म में गलत रोल नंबर डाला, पासिंग ईयर गलत डाल दिया और तो कुछ डालने की जरूरत नहीं थी। तो और भी अगर ये देखो ये वाला जो एड्रेस है ना, ये भी जो मार्कशीट में है वही एप्लीकेशन फॉर्म में सेम टू सेम होना चाहिए। अगर उसमें भी गलती है तो भी एड्रेस में इसकी गलती के लिए, मतलब इस एड्रेस की गलती के लिए आप चाहे तो एफिडेविट बना सकते हो। नहीं बनाओ ऐसा सजेशन नहीं दूंगा, बनाना है तो आप बना सकते हो। लेकिन दूसरा जो आपका परमानेंट एड्रेस टेम्पररी एड्रेस, वैसे वाले एड्रेस और आधार नंबर के आधार कार्ड के एड्रेस में कोई डिफरेंस है तो आपको उतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं होने वाली। अब चलो एप्लीकेशन फॉर्म को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ और आपको बताता हूँ। तो देखो ये है एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, माता जी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सेम टू सेम होनी चाहिए। जेंडर, और देखो ये आधार कार्ड का जो नंबर है ये भी आपका आधार कार्ड जो आप प्रोड्यूस करने वाले हो उसका नंबर और ये नंबर मैच होना चाहिए। अगर इसमें भी गलती करो तो एफिडेविट बनाओ। मिनिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम डालना था मिनिमम, तो यहाँ पर टेंथ है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर मिनिमम की जगह आपने कुछ, ये तो मेरे को लगता है डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट करने के लिए रहा होगा, लेकिन अगर फिल करने का था और इसमें भी गलती करो तो अभी एफिडेविट मत बनाओ, ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पर देखना, ठीक है। अब तो ये था, इसके बाद मैं अगला वाला दिखाता हूँ आपको। अगला क्या है, एक मिनट, हाँ इसके बाद ये सब, टेंथ की मार्कशीट लगाने के बाद ये सब चीज़ें थी कि आपने पढ़ाई कहाँ से करी है उसकी डिटेल्स आप डालो, ठीक है। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चलो ये देखो आप स्टेट बोर्ड से, यहाँ पर आपका टेंथ का रोल नंबर, इसमें गलती नहीं होना था, पासिंग ईयर इसमें गलती नहीं होना चाहिए था, हुई है तो एफिडेविट लगाना पड़ेगा। नेशनैलिटी अब कोई ने डाला होगा, अमेरिका तो पता नहीं, वो तो मेरे को नहीं मालूम। मोबाइल नंबर देख लो, मतलब नहीं डाला होगा आपको, डाला हो तो बना लेना एफिडेविट, ठीक है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, कई लोगों ने मेरे को पूछे थे कि ईमेल आईडी अगर कैपिटल में हो गई तो क्या करना है। भाई कोई दिक्कत नहीं, देखो यहाँ पर भी पूरी ईमेल आईडी मेरी कैपिटल में लिखी, एनटीपीसी में कैपिटल में लिखी थी, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, सही होनी चाहिए बस, ठीक है। अब जिन लोगों का मोबाइल नंबर ईमेल आईडी बंद हो गई है उनको कुछ नहीं करना है, वहाँ पर जाओगे जो फॉर्म आपको मिलेगा उसमें नई ईमेल आईडी लिख देना, नया मोबाइल नंबर लिख देना, कुछ नहीं होने वाला, कोई दिक्कत नहीं है। फुल एड्रेस, देखो इस एड्रेस में अगर कोई गलती हुई है ना तो चिंता की बात नहीं, पिन कोड सही होना चाहिए, इतना ध्यान रखना। अगर पिन कोड भी गलत लिखा है तो फिर आप देखो एफिडेविट बना सकते हो, लेकिन बाकी अगर डिटेल में थोड़ा बड़ा ऊंच नीच है तो उतना टेंशन की बात नहीं है। इसके बाद पेमेंट डिटेल, तो यहाँ से आपको पता चलेगा आपने 250 पे करें कि 500 पे करें, ठीक है। इसके बाद अगला पेज आपको दिखाता हूँ मैं। आप तो देखो इसके बाद अगली डिटेल ये थी कि आपको कौन से अमाउंट में रिफंड लेना है, तो उसमें यस कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एफएमसीएल क्वालिफिकेशन में आपने यहाँ पर टेंथ की क्वालिफिकेशन डिटेल डाली,
और हायर क्वालिफिकेशन में सबने ऐसा ही किया होगा, अदर और साइंस डाला होगा या अदर और आर्ट डाला होगा, अपना सब्जेक्ट डाला होगा, कोई चिंता की बात नहीं है भाई। क्वालिफिकेशन टाइप में अदर ही डालना था और क्वालिफिकेशन ये डालना था, बाकी कुछ और भी डाला है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जो टेंथ का है, देखो टेंथ के लिए पूरी पूरी डिटेल मांगा गया है आपको, यहाँ पर आप देख सकते हो टेंथ के लिए पूरी पूरी डिटेल मांगी, लेकिन क्या अदर क्वालिफिकेशन के लिए कोई डिटेल मांगी गई है आपसे? नहीं मांगी गई है, यानी कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर टेंथ तक का है, बाद वाले में कोई प्रॉब्लम है तो देना देना मत देना, ठीक है। उसके बाद अगली डिटेल, अगली जो मेन डिटेल आपको मिलने वाली है वो मैं दिखा देता हूँ, ये देखो एक मिनट। हाँ, इसके बाद पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जिनने यस करे हो उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर सब मेरी जगह नो, मैंने सारे जगह नो करके रखा है तो इसको भी मैं आगे बढ़ाता हूँ। अब देखो यहाँ पर एक बार ध्यान से, अब आएगा इंटरेस्टिंग केस। देखो भाई इसको ध्यान से, यहाँ पर ये जो 14 नंबर का जो ऑप्शन है, आर यू अ कैंडिडेट इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास हुज फैमिली इनकम इज लेस देन ₹50,000 पीए, इसको यस कर दिया था मैंने। इसको अगर यस किए तो फिर यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि उसी टाइम लिखा हुआ था कि आपको डीवी के समय यही सर्टिफिकेट जो यहाँ लिख रहे हो वो प्रोड्यूस करना है, तो क्यों नहीं है आप लोगों के पास? कहाँ गया आपका वो डॉक्यूमेंट? होना चाहिए था भाई। तो इसमें अगर कोई ने गलती करे हो तो अभी तो पेंडिंग में जा रहे हो, कोई चिंता की बात नहीं है, बाद में डिसाइड हो जाएगा तो आपका क्लियर कर देंगे। अब वो ₹250 के लिए आपको इतना पनिशमेंट नहीं करेंगे, फिर से बोल रहा हूँ रेलवे बहुत दिलदार है, तो कुछ तो सॉल्यूशन निकाला जाएगा, आपसे वो ₹250 भरवा लिए जाएंगे चालान के थ्रू या कुछ भी करवाया जाएगा, पर बाद में डिसाइड करेंगे, अभी कोई डिसाइड नहीं हुआ है। देखो तो फिर यहाँ पर मैंने इनकम सर्टिफिकेट की सारी डिटेल डाला हुआ हूँ, तो इस डिटेल के आधार पर मैंने ₹250 का ऑफ लिया, ₹250 पे किया, बाद में वो ₹250 मुझे वापस भी आ गए, कोई दिक्कत नहीं थी। तो लेकिन ये जो सर्टिफिकेट नंबर यहाँ लिखा है, देखो ये ध्यान से देखो, ये जो सर्टिफिकेट नंबर यहाँ लिखा है, एग्जैक्टली वो लोग पहली चीज़ आपको यही मांगते हैं कि ये जो सर्टिफिकेट नंबर आपने यहाँ लिखे हो वही हमको दिखाओ, और कोई बात ही नहीं करते, पहले यही दिखाओ, जो सर्टिफिकेट आपने डाला है वो दिखा दो। अगर वो दिखा दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसने बीपीएल डाला है बीपीएल दिखाओ, जिसने इनकम सर्टिफिकेट लगाए तो वो इनकम सर्टिफिकेट दिखाओ। बात आई समझ में? माइनॉरिटी कम्युनिटी वालों को यहाँ पर कुछ नहीं करना था, एक डिक्लेरेशन बस आपको नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर वहाँ पर बनाकर ले जाना है, कितने के स्टाम्प पर ले जाना है ये आप खुद डिसाइड करना, क्योंकि मैंने तो ₹100 पे दिखा है, बाकी लोगों को आपकी जो मर्जी उसके हिसाब से देख लेना, क्योंकि कहीं मेंशन नहीं है कि कितने का करवाना है, कोई ने बोला नहीं कि कितने का होना, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ। दूसरा इशू आ रहा था ये आइडेंटिफिकेशन मार्क को लेकर के, कि आपने यहाँ क्या डाला था, मोल ऑन नोज मार्क ऑन राइट लिंग, ये कुछ नहीं है। वहाँ पर जब आपको जाओगे तो आपको एक फॉर्म मिलता है, उसमें आपको लिखना पड़ता है, वहाँ पर नए वाले भी लिख सकते हो, पुराने भी लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपके ये सब मार्क आपको अभी भी मिल रहे हैं तो ये वाले लिखवा लेना, लिख लेना, नहीं तो जो नए लिखना है वो लिख लेना, कोई इसको लेकर के कोई इशू नहीं हो रहा है। मदर टंग आपने कुछ भी लिखी है उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपने ये जो डॉक्यूमेंट फोटो आईडी जो लगाया है, अपीयरिंग इन सीबीटी एंड सब, ये देखो ये लिखा है सब्सिक्वेंट स्टेजेस, तो आपने यहाँ जो डॉक्यूमेंट लगाया वो डॉक्यूमेंट आपके पास हमेशा रहना चाहिए। तो मैंने आधार कार्ड लगाया था, मेरे पास आधार कार्ड है। उसके बाद आपका ये मैं आपको दिखा रहा था, एक मार्कशीट आपको मैं जो दिखाना चाह रहा था वो एक बार दिखा देता हूँ। कुछ लोग जिनका बहुत बाद में टेंथ हुआ है, यानी कि 2013 के बाद अगर हुआ होगा दसवीं का, तो उनको ये मिला होगा अंक सूची सह प्रमाण पत्र, यानी अलग से प्रमाण पत्र नहीं मिला होगा। जैसे हमारे को टेंथ के लिए अलग से प्रमाण पत्र मिली थी, मिला था, सर्टिफिकेट अलग से मिला था, तो मेरे पास उसकी फ़ोटो नहीं है, फ़ोटो कॉपी नहीं है, कुछ नहीं है, इसलिए मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन वैसा मिला था। लेकिन अगर जिनको नहीं मिला था वो एक बार अपनी मार्कशीट चेक करना, अगर वहाँ अंक सूची सह प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट कम मार्कशीट लिखा होगा तो उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो भाई ये था ओवरऑल वीडियो, मैंने सारी चीज़ें बहुत डिटेल डिटेल में बताने की कोशिश करी, जितनी जानकारी थी सब बता दिया, जितने डाउट थे वो सारे आपको बता दिया। उम्मीद है कुछ तो मदद आपको हो जाएगी, लॉजिकल सवाल बचे होंगे तो मुझे कमेंट में पूछ लेना, ऑलरेडी पूछे हुए सवाल का रिप्लाई मैं शायद अब नहीं करूँगा। आप अगर मेरे चैनल पर बाकी वीडियोज़ भी पूरे पूरे देख लोगे तो ऐसा कोई सवाल बचा ही नहीं है जिसका मैंने रिप्लाई ना किया हो, जो किसी ने मुझसे पूछा ना हो। तो अभी के लिए ठीक है, अगर रिव्यू मुझे देते रहेंगे लोग तो मैं रिव्यू के वीडियो भी लाता रहूँगा, लेकिन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ अभी रिजेक्ट नहीं करेंगे, पेंडिंग में डालें तो बाद में कुछ ना कुछ समाधान मिलेगा। जब तक वो रिजेक्ट वर्ड आपके लिए कोई यूज़ ना करे तब तक आप भी उसको यूज़ मत करो, तो बढ़िया अच्छा सोचो और बढ़िया आपका डीवी हो जाएगा। डीवी होने के बाद मुझे मेरे टेलीग्राम हैंडल आदर्श चौधरी 96 पर
मेल मैसेज जरूर कर देना, तो मैं आपके रिव्यू से बाकी लोगों की मदद भी कर पाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।